एक बार आपकी जबरदस्त तालियां दोनों लोगों की हो जानी चाहिए। बहुत ही आत्मीय डॉक्टर कीर्तिका जी हैं और आप सभी मेहमान और आप सभी छात्र छात्राओं की उपस्थिति को प्रणाम कर रहा हूं। और भाई किसले द्विवेदी जी और भाई प्रफुल्ल का आभारी हूं कि मुझे आप जैसे युवा शक्तियों से जुड़ने का अवसर मिला। एक डेढ़ घंटे पहले आप जैसे युवाओं से ही संवाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कानून पढ़ाते हुए करके आ रहा हूं और मेरे जीवन का काफी हिस्सा आप जैसे युवाओं के साथ ही बीता है। और जो कविता के मर्म में आपको मैं अलग अलग रंगों से कविता के जोड़ूंगा और ये मेरा अपना अनुभव है। मैं भी डॉक्टर साहिबा से कह रहा था कि देश भर के तमाम इवन NITs होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं, बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं, वहां पर कार्यक्रम करते हुए उन लोगों के बीच जाते हुए जिस अंतर चेतना की और अंतर प्रेरणा की बात होती है जो मैं आप लोगों से प्राप्त करता हूं वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरा पहला सल्यूट आपकी युवा पीढ़ी को है। तुम्हारे हाथ में तकदीर है सारे जमाने की, तुम्हारे हाथ में तकदीर है सारे जमाने की, उसे खुशरंग करने की, उसे बेहतर बनाने की। मोहब्बत आरजू जज्बा समझदारी सभी तो है, जरूरत है तो बस उसको सही रास्ता दिखाने की। कविता के बहुत रंग है, इंद्रधनुष के रंग गिन सकते हैं, बाजार के रंग गिन सकते हैं, होली के रंग गिन सकते हैं, लेकिन कविताओं के रंग अनंत है। मैंने कहा कि जैसे मैं आप लोगों से भी बहुत सीखता हूं, डॉक्टर साहिबा देखिए और आप सब लोग की कैसे मैंने उन कानून के बच्चों से भी बहुत कुछ सीखा और बहुत जिसे कह सकता हूं कि बड़ी मासूम से भी व्यक्तियां हैं। ये चार पंक्तियां आपको दे रहा हूं, दो मुक्तक अलग अलग दे रहा हूं जो मैंने उन्हीं बच्चों से लिया। तुझसे मिलने की कसक रहती है, अगर बात पहुंच रही हो तो मुझे बताइए। तुझसे मिलने की कसक रहती है, ख्वाब मिलने के गुण नहीं पाती। तुझसे मिलने की कसक रहती है, ख्वाब मिलने के गुण नहीं पाती। रोज जाती हूं क्लास में लेकिन सर जो कहते हैं सुन नहीं पाती। जो कहते हैं सुन नहीं पाती। मैंने तो कानून में PhD की लेकिन मोहब्बत की PhD बहुत अलग है साहब। डॉक्टर साहिबा बहुत अच्छी बात कर रही थी, अनुभव शेयर करती, लेकिन डॉक्टर साहिबा एक हम लोग का सब्जेक्ट होता है इंटरप्रिटेशन, तो कौन व्यक्ति क्या कह रहा है उसके संदर्भ में बहुत जरूरी होता है। जैसे डॉक्टर साहिबा ने बहुत सही कहा कि पढ़ो लिखो ये करो जिंदगी से, पर आपके लिए जो सेक्स शब्द का अर्थ है इनके लिए वो दूसरा हो जाता है। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? दिल में मूरत बना के बैठी हो, दिल में मूरत बना के बैठी हो फिर भी कहने से डर रही हो, दिल में मूरत बना के बैठी हो फिर भी कहने से डर रही हो तो प्रेम का अगर नहीं मालूम शोध मीरा पे कर रही हो तो प्रेम का प्रबंध नहीं मालूम शोध मीरा पे कर रही हो तो। ये हम लोग के बड़े सारे ऐसे मुक्तक है जो आप युवा पीढ़ियों ने बड़ा लोकप्रिय किया सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम। चार और पंक्तियां जो बड़ी तेजी से चढ़ी। अच्छा, इस पंक्ति में आप जेंडर मत लीजिएगा, हालांकि पंक्तियां उसी तरह गई है। खामखा खामखा तुम जस्टिफाई कर रही हो, खामखा तुम जस्टिफाई कर रही हो, मान लो कि बेवफाई कर रही हो। खामखा तुम जस्टिफाई कर रही हो, मान लो
ये सब बोलकर और भी तुम बेहयाई कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आप सबकी कहानी कह दी हो। जहां जहां से मुझे पंक्तियां याद आ रही है मैं वहीं वहीं से बात कर रहा हूं आपसे। ये फेयरवेल का जो मौका है, हमारी आपकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जब हम लोग दूर होते हैं जाते हैं। चार पंक्तियां कभी कही थी पर इसको दिल में अंदर करके रखिएगा। हम अलविदा कह जाएंगे तुम देखते रहना, हम अलविदा कह जाएंगे तुम देखते रहना, यादों में ही रह जाएंगे तुम, खुशबू हमारे याद की रह जाएगी बाकी, खुशबू हमारे याद की रह जाएगी बाकी, ख्वाबों में मिलने आएंगे तुम। आप लोगों को क्या बहुत कुछ याद आ रहा है क्या? जहां तक भी नजर जाए तेरी यादों का जंगल है, जहां तक भी नजर जाए तेरी यादों का चंदल है, तेरी सांसों का संदल है, बुरा कुछ हो नहीं सकता हालत कुछ हो। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? चार पंक्तियां मार लीजिए। अच्छा, इन पंक्तियों में सिर्फ आनंद सुनिएगा, सिर्फ आनंद। वो जन्मों का प्यासा है, समंदर मांग लेगा वो, समंदर मांग लेगा वो, जो धरती मिल गई उसको तो अमर मांग लेगा वो, धरती मिल गई उसको तो अमर मांग लेगा वो, नए इस दौर का आशिक है वो, रहना संभल कर तुम, संभल कर तुम।
चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं, मुल्क की सूरत बदलना चाहते हैं। सांप जहरीले हैं जो भी इस चमन में, हम सभी के फन कुचलना चाहते हैं। और चलते चलते
एक जिम्मेदारी है, यहाँ पर महिला शक्तियाँ बहुत हैं, और एक बहुत छोटी सी कविता दो मिनट की, उसके बाद मैं विराम लूंगा। उनके सम्मान में कविता जरूरी है क्योंकि वो सच है, सृष्टि है, सृजन करता है। तब मैं कहना चाहता हूँ आपकी तालियां कम न पड़े, आपकी आवाज़ खामोश ना हो, ये सारी सब कुछ इसी आबादी को मैं प्रणाम करते हुए कर रहा हूँ। राम साहिबा आप सब लोग को देखेगी, हो चाहे लोग जितने, हो चाहे लोग जितने फिर भी घर वीरान लगता है, हो चाहे लोग जितने फिर भी घर वीरान लगता है, जो एक बेटी ना हो तो घर भी कब्रिस्तान लगता है। इस दुनिया में ग्रेशम्स लॉ बहुत एप्लीकेबल है। बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, सुना है क्या? लेकिन आपको टिके रहना है, आपको घबराना नहीं। चलिए इसलिए कम से कम ये कहेंगे कि सुरेश भाई आए थे, हमने उनको पानी पिला के भेज दिया। ये मेरे लिए, हम लोगों के लॉ के लिए दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ से मॉरेलिटी को हटा दिया गया, नैतिकता चली गई। लेकिन आज आप लोग इस यंग एज में हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि अगर हमारी मॉरेलिटी जिंदा होगी तो इतने कानूनों की जरूरत नहीं पड़ती। दो दोहे और फिर अपनी बात खत्म करता हूँ कि गिरने के इस दौर का आंखों देखा हाल, आप पोइट्री लेकर के जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। गिरने के इस दौर का आंखों देखा हाल, पारा जाने में गिरा नियत पूरे साल, पारा जाने में गिरा नियत पूरे साल। और थोड़ा सा साइंस लेकर के आ रहा हूं कि जिस गति से नियत गिरी उस गति से ईमान, जिस गति से नियत गिरी उस गति से ईमान, दोनों की गति देखकर न्यूटन भी हैरान। कि कविता या साहित्य क्यों जरूरी है, क्योंकि आईना होता है, दर्शन होता है, कालजयी होता है, अपने वक्त के साथ साथ भविष्य और पूर्व को भी चिंतन में ले आता है। बहुत अच्छा लगा आप लोग बैठ के कविता सुन रहे, युवा पीढ़ी इस तरह से कविता के सरोकारों से परिचित हो रही, किसले भाई, प्रफुल्ल भाई, आपका आभार, आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस दोहे के साथ मेरा ये दोहा, मुझे लगता है जीवन में कुछ अच्छा अगर मैंने कहा है तो ये सब कहा है, लिखा रह जाएगा रहता नहीं शरीर, लिखा किया रह जाएगा रहता नहीं शरीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी कबीर।